नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, हम आपसे हर सप्ताह में दो या तीन बार प्रस्तुत होते हैं। हमारी ग्रामीण व्यवस्था, हमारी कृषि, हमारा कृषि बाजार और हमारी कृषि उपजों के बारे में जो भी जानकारियां होती है और हमारे खाद के बारे में, हमारी नई सीजन की बुआई और कटाई के बारे में जो भी जानकारियां हमारे पास होती है, उसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहते हैं। और आपकी ओर से खास करके पिछले दिनों में बाजार को लेकर, जीरे के बाजार को लेकर हमने जो भी चर्चा की, उसके ऊपर आप सभी की ओर से जो प्रत्युत्तर हमें मिल रहा है और जो प्रोत्साहक सहयोग हमें मिल रहा है, उसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज सप्ताह का आखिरी दिन है और जून महीने का प्रथम हफ्ता आज पूरा होने वाला है। तो इस हफ्ते में जीरे के बाजार को लेकर स्थिति क्या रही और आगे क्या रहने वाली है, और इन दिनों में जीरे के बाजार में किस किस की भूमिका कैसी रही, जिसमें सबसे आगे हमारे किसान भाइयों की भूमिका क्या रही, व्यापारियों की भूमिका, और बाजार को दबाने या चलाने में मदद रूप होने वाले जो भी परिबल है उसकी भूमिका क्या रही, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो हर किसी व्यवस्था में कम से कम चार कोने होते हैं और चारों कोने जो होते हैं, उस कोने के जो चार हीरो होते हैं वो अपनी अपनी जगह बनाए रखे तो किसी भी व्यवस्था को कभी कुछ नहीं हो सकता। ये बाजार का जो मामला है उसमें ये हुआ है आजकल कि हमारा किसानों का जो हिस्सा है, हमारी जो भूमिका है, वो भूमिका हमने बखूबी निभाई है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि किसानों ने बाजार को बनाए रखा हो, लेकिन इस साल, इस वर्ष ये जीरे के बाजार में हमारी किसानों की भूमिका ऐसी रही कि जीरे का बाजार बना रहा, अच्छे से बना रहा। बीच बीच में 15 दिन के लिए बाजार लुढ़क गया, लेकिन लुढ़क जाने के बावजूद भी हमने बिना घबराए अपने माल को पकड़ रखा और माल की पकड़ करने की वजह से बाजार को सुधरने की दिशा में आगे जाना पड़ा। हमारी किसानों की जो भूमिका हो सकती थी वो भूमिका हमने बनाई। खास करके हमारे राजस्थान के किसान भाइयों से हम ये निवेदन करते हैं कि आपने माल को बाजार तक पहुंचाने में जो धैर्य रखा, उसी धैर्य की वजह से आज बाजार बना हुआ है। अब आगे क्या होगा, तो आगे दो चीजें काम करेगी। एक, हमारा जो काम है, हमारी जो भूमिका है वो तो रहेगी ही रहेगी सबके आगे कि हम माल कितना बाजार तक पहुंचाते, किंतु आगे सरकार की आयात और निर्यात को लेकर पॉलिसी कैसी बनती है उसके ऊपर आधार ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसके सहयोग के बिना हम ज्यादा दिन युद्ध नहीं लड़ सकते। जब युद्ध लड़ना ही है तो सरकार का सहयोग हमें चाहिए ही चाहिए, अच्छे ढंग से चाहिए और पूरे दिल से चाहिए। किंतु ये बाजार जो है उसको गिराने का प्रयास कौन कर रहा है, बाजार में कौन ऐसे खिलाड़ी है जो बाजार को गिराने का प्रयास कर रहा है, तो बिल्कुल एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नाम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं बनने वाली है, ऐसा जो माहौल बनाया जाता है और उसके साथ दूसरे देशों की पैदावार को जोड़ा जाता है, जैसे कि सीरिया है, इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन सभी देशों की जीरे की जो उपज है उसी उपज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर दबाव बनेगा और उसी दबाव के चलते भावों में गिरावट आएगी, ऐसा माहौल बनाने का जो प्रयास चल रहा है वो एक खास वर्ग की ओर से चल रहा है। और वो वर्ग कौन है, वो वर्ग ये है जो हमारे देश से, हमारे किसानों से, हमसे किसानी की उपज को खरीद कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाते हैं और वहीं से बड़ा मुनाफा निकालते हैं। बात अब यह है कि पूरी दुनिया में जीरे की जो क्वालिटी है, जीरे की जो गुणवत्ता है, उसमें हमारे भारत का जीरा और उसमें भी खास करके हमारे राजस्थान का जीरा जो है उसके आगे
कोई भी क्वालिटी हरीफाई में टिक नहीं सकती। तो हरीफाई में जब प्रतिस्पर्धा में कोई क्वालिटी टिक नहीं सकती है तो जो अच्छी क्वालिटी है उसका भाव तो मिलना ही मिलना है। हमारे राजस्थान का प्रथम क्रम का जीरा, गुजरात का प्रथम क्रम का जीरा अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबसे आगे रहता है और सबसे आगे आने वाले दिनों में भी रहने वाला है। लेकिन जो और देशों का जीरे का जो उत्पन्न है उसका जो रेट चल रहा है और उसका जो रेट बनता है मार्केट में, उसी रेट के लेवल पर भारत के जीरे से यहाँ के व्यापारी जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार करते हैं, वे व्यापारी लोग भारत का जीरा उसी भाव से खरीद कर दुनिया के बाजार में वही जीरे के सामने प्रतिस्पर्धा में रखना चाहते हैं। और अगर ये जीरा वही देशों के उत्पन्न के सामने प्रतिस्पर्धा में उसी भाव से वो बेच सके तो उसका माल बहुत मुनाफा उसे दे सकता है। और यही वजह है कि हमारे भारत के बाजार को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। वास्तविकता यह है कि हमारे भारत का जो उत्पन्न है उसी उत्पन्न में से 15-20% माल का ही निर्यात करने की जरूरत है। हमारे देश के किसानों का जो उत्पन्न है उसी उत्पन्न से हमारे देश की जो जरूरत है वो 80-85% की घरेलू बाजार में उसकी जरूरत है। हमारे किसानों के जो भी माल की उपज है उसी उपज का निकाल करने के लिए, उसी उपज की निकासी के लिए केवल ही केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार पर हमें 15-20% ही आधार रखना पड़ता है। तो 15-20% माल हमारे देश का अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है तो बाकी का माल हमारा घरेलू बाजार में बिक जाता है। घरेलू बाजार की हमारी ये जरूरत भी है। तो इस समय में हम किसानों को घबराने से ज्यादा सावचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। बाजार के खिलाड़ी अगर हमें आगे बढ़ने से रोक पाए और हमारे बीच में किसानों के बीच में घबराहट का कोई माहौल बनाने में अगर सफल रह गए तो हम समय गंवा देंगे। आज अभी तक हमने जो धैर्य रखा है और हमें बाजार को पकड़ने में, बाजार को चलाने में अपनी जो भूमिका निभाई है उसी भूमिका से हम अगर आगे चलते हैं तो आगे के दिनों में भी बाजार बना रहेगा और बाजार बढ़ेगा भी। बात यह है कि ये सारा जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें विलन की भूमिका बनाने वाला एक तबका है और उसी तबके को इस साल जीरे की उपज में सफल नहीं होने देने का हमारा जो किसानों का निर्णय है उसी निर्णय के साथ हम सब बने रहे, यही अपेक्षा आप सभी से है। जय किसान, जय भारत।